हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पोएम के साथ जिसका नाम है पुली और जिसके कवि है पोएट इज जॉर्ज हर्बर्ट। ओके, 2.4 यूनिट और इसका वार्मिंग अप हमने किया है और इसके कवि के बारे में भी हमने जानकारी देखी है और ये प्रस्तुत कविता किस बारे में है उसके बारे में भी हमने जान लिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये कविता। इस कविता को हम आज देखेंगे और उसी के साथ साथ हम इसके वर्कशॉप के वगैरह क्वेश्चंस भी पूरे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम आगे बढ़ते हैं इस कविता के साथ। पर इससे पहले कि हम इस कविता के साथ आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी जो यहाँ पर हमें दी गई है इस कविता के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा फिर से विस्तार एक रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. और इसमें क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि restlessness, है ना? Restlessness मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि अस्वस्थता, है ना? अस्वस्थता ये एक ऐसी भावना है। This is a kind of emotion which helps us remember God. ये हमारी ऐसी अवस्था है, ये कैसा हमारा क्या कह सकते हैं भावना है जो हमें हमेशा ईश्वर की याद दिलाता रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो अस्वस्थता होती है उसके द्वारा, ये ऐसी पुली है जिसके द्वारा ईश्वर हमें हमारी ओर, ईश्वर हमें अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी भावना है जो हमें हमेशा ईश्वर की याद करने में मजबूर कर देती है। What is distinctively metaphysical about this poem is that religious notion is conveyed through a secular scientific image. अभी देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेटाफिजिकल का वगैरह मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया। इसकी इस कविता की खासियत क्या है कि एक आध्यात्मिक विचार, एक धार्मिक विचार बहुत ही रोज के हमारे जीवन में आने वाले प्रसंग के साथ इसको हमें जोड़ करके दिखाता है या फिर जोड़ करके हमें समझाने की कोशिश इसमें की गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे कविता के साथ। एक बार पूरी कविता मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में दो 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 लाइनों का आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा। ठीक है, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड बाय Let us, said he, pour on him all we can. Let the world riches which disperse lie contract into a span. So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me and rest in nature, not the god of nature, and both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. Okay. अब देखते हैं कविता। When God at first made man having the glass of blessing stand by, है ना? जब ईश्वर ने पहली बार, है ना? ईश्वर ने पहली बार इंसान को बनाया, ठीक है? When God first made man, जब इंसान को पहली बार भगवान ने बनाया और उसके a glass of blessing stand by, उसके पास में ही एक ग्लास रखा हुआ था जिसमें सारे ब्लेसिंग्स, ठीक है? ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है? वरदान, मतलब अच्छाइयां, अच्छे गुण या फिर सभी अच्छाइयां, है ना? ये सारे वहां पर रखे हुए थे। तो भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया?
When God first made man, having a glass of blessing standby, let us, said he, pour on him all we can. फिर ये जो ग्लास वरदानों से अच्छे गुणों से भरा हुआ था, तो ईश्वर ने क्या किया कि लेट अस, चलिए क्या करते हैं, ये जो भरा हुआ ग्लास है ये पूरा उसमें उंडेल देते हैं, उस पर हम डाल देते हैं। मतलब क्या है कि भाई ये जो इंसान हमने बनाया है इसको सारे वरदान हम दे देते हैं, ऐसा ईश्वर ने कहा। लेट द वर्ल्ड रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन, ठीक है, कि जितने भी इस दुनिया में रिचेस है, मतलब जितनी भी क्या मतलब संपत्ति है, समृद्धि है ना, जितनी भी संपत्ति है समृद्धि इस दुनिया में है ना, डिस्पर्स मतलब फैली हुई है ना, मतलब जितना भी कुछ अच्छा इस दुनिया में है, जितना भी संपत्ति समृद्धि इस दुनिया में है जो हर तरफ फैली हुई है, तो क्यों ना उसको कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना, मतलब छोटा करना इसका मतलब क्या होता है, छोटा करना, इनटू अ स्पैन, स्पैन का मतलब क्या होता है, छोटी सी जगह, है ना, छोटी सी जगह। मतलब क्या कहा ईश्वर ने, क्या कहा कि भाई जब इंसान को पहली बार ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर ने सोचा क्यों ना, उसके पास में वो वरदानों का जो एक प्याला था वो वहीं पर रखा हुआ था, ईश्वर ने कहा इंसान को तो मैंने बना दिया तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा प्याला जो है वो उसमें डाल देता हूँ ताकि उसको सारी अच्छाइयां मिले, और दुनिया की सारी जितनी अच्छाइयां फैली हुई है ना, स्कैटर्ड है, जितनी भी दुनिया की अच्छाइयां फैली हुई है, समृद्धि फैली हुई है, संपत्ति फैली हुई है, उसको एक जगह में लाकर के इस इंसान में भर देता हूं। मतलब उसका क्या मतलब है कि भाई दुनिया में जितना भी कुछ अच्छा है वो सारा एक ही इंसान में डाल देता हूँ, इंसान में ही डाल देता हूँ, है ना, मतलब दुनिया में जितनी अच्छाई है, सुंदरता है वो भी इसको दे देता हूँ, अच्छे गुण है ये भी उसको दे देता हूँ, हमें क्या कहते हैं कि जरूरत का जितना भी कुछ है वो भी इसको दे देता हूँ, मतलब सब कुछ इसी को दे देता हूँ, जितना भी कुछ अच्छा है इस दुनिया में वो सारा इसको दे देता हूँ, ऐसा ईश्वर ने सोचा और उसने खुद से कहा। सो और कॉन्ट्रैक्ट इन टू स्पैन मतलब एक छोटे से शरीर में वो सब कुछ अच्छा मैं डाल देता हूँ, ऐसा दुनिया में जितना भी फैला हुआ जो कुछ है वो इसके शरीर में मैं डाल देता हूँ, छोटी जगह में ये पूरा का पूरा अच्छा सभी कुछ उसमें आ जाए। तो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, सो तो पहला जो अच्छा काम था या फिर पहली जो अच्छी अच्छाई थी वो थी स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ठीक है। तो पहली जो अच्छाई थी वो थी स्ट्रेंथ, शक्ति या ताकत जो भी कहोगे आप, स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट थिंग, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, तो सबसे पहले एक अच्छाई डाल दी, देन ब्यूटी फॉलोड, देन ब्यूटी फ्लोड, ब्यूटी सौंदर्य है ना, उसके बाद में पहले आई शक्ति, बाद में आया सौंदर्य, फ्लोड, देन विजडम, फिर आया विजडम। विजडम को हम क्या कह सकते हैं, विजडम को हम कहते हैं विजडम को हम क्लेवरनेस नहीं कहते, वाइज एक अलग होता है। देखिए विजडम ये एक ऐसी हमारी बुद्धि की क्षमता होती है, स्किल होती है, जहां जो अनुभव से हम सीखते हैं उसको कहते हैं विजडम, जो हम हमारे जीवन में क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो विजडम को हम यहाँ पर कहेंगे होशियारी, ठीक है, उसके बाद में आया विजडम, उसके बाद में आना है ऑनर,
ऑनर का मतलब होता है आत्मसम्मान, है ना, आत्मसम्मान, ऑनर, राइट। उसके बाद में आया प्लेजर, सुख, है ना, उसके बाद में आया सुख। देन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, गॉड मेड अ स्टे। और जब ये सारी चीजें आ चुकी थी, ज्यादातर तो चीजें जा चुकी थी, सब कुछ आ चुका था, गॉड मेड अ स्टे, ईश्वर रुक गए, ईश्वर रुक गए, थम गए, उन्होंने एक ब्रेक लिया। गॉड मेड अ स्टे, परसीविंग दैट ऑल दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले। क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया, परसीविंग, परसीविंग मतलब महसूस करना, उन्होंने ये जाना कि अरे इसमें तो अभी सिर्फ एक ही चीज बाकी है, बाकी तो सारी मैंने दे दी है। ऐसा सोचकर जब उन्हें ऐसा लगा कि इसमें एक ही चीज बाकी है, ऐसा जब उन्होंने जाना, ऐसा जब उन्होंने महसूस किया, तब वो रुक गए। फॉर इफ आई शुड, सेड ही, बेस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर। क्योंकि फिर बाद में उन्होंने खुद से कहा कि क्योंकि मैंने अब इसको सब कुछ दे दिया है, अगर ये आखिरी चीज भी मैं उसको दे दूंगा तो बेस्टो मतलब बेस्टो, है ना, मतलब अर्पण करना या दे देना, है ना, गिफ्ट कहते ना हम, है ना, बेस्टो, जूल, JEWEL, ज्वेल नहीं होता, ये जूल होता है। जूल का मतलब क्या होता है, ये अगर फिर से एक अच्छा ही, है ना, अब इसका सही सही मतलब तो होता है अलंकार, है ना, है ना, पर वो अच्छाई के तौर पर यहां पर उसको उपयोग किया गया है। तो भगवान ईश्वर रुक गए और उन्होंने कहा कि अगर ये आखिरी चीज भी मैं इसको दे दूंगा, आखिरी अच्छाई भी अगर मैं इसको अर्पण कर दूंगा, इसको भेंट कर दूंगा, तो बेस्टो का मतलब होता है भेंट, है ना, इसको भेंट कर दूंगा तो क्या होगा, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। और फिर क्या होगा, अडोर, है ना, प्रेम करना। ईश्वर ने कहा अगर ये आखिरी चीज भी मैं इसको दे दूंगा, इसको भेंट कर दूंगा, तो ये व्यक्ति, इंसान, मुझसे ज्यादा मेरे इन चीजों से प्रेम करने लगेगा। माई क्रिएशंस, है ना, वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी। अगर मैं उन्हें ये सब कुछ दे दूंगा, ये आखिरी आखिरी जो कुछ मेरे पास बचा है, आखिरी जो कुछ वस्तु मेरे पास, वरदान मेरे पास बचा है, अगर वो भी मैं उसको दे दूंगा, तो फिर वो मेरी बजाय मेरे इन भेंट किए हुए चीजों को ही ज्यादा समझने लगेगा, उनको ही प्यार करने लगेगा। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। और फिर वो क्या करेगा, रेस्ट इन नेचर, है ना, प्रकृति में भी फिर क्या करेगा, वो प्रकृति में आराम करेगा, और नॉट द गॉड ऑफ नेचर, है ना, और वो प्रकृति को मानने लगेगा, और प्रकृति का भी जो भगवान है, प्रकृति का भी जो ईश्वर है, उसको वो भूल जाएगा। सो बोथ शुड लूजर्स बी। और अगर ऐसा होता है ना, अगर मैं इंसान को ये आखिरी, देखिए इसमें कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर जो कह रहे हैं, वो यहां पर मैं लिखता हूं एक एक करके। सब कुछ दे दिया, गेव ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू ह्यूमंस, ठीक है, इंसान को सब कुछ, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट लिखा है,
वन थिंग रिमेन्स है ना। फिर बाद में थिंक्स है ना, गॉड थिंक्स इफ आई गिव लास्ट वन ह्यूमंस विल लव एंड अडोर थिंग्स एंड नॉट गॉड। ठीक है, और अगर ऐसा होता है एंड इफ दिस हैपन्स है ना, इफ दिस हैपन्स मतलब क्या कि अगर इंसान मुझे भूल करके, मुझे पे प्रेम करना छोड़ करके उसकी मेरी भेंटों को प्रेम करने, मेरी जो चीजें उनको दी गई उसको प्रेम करने लगेगा, देन बोथ गॉड एंड ह्यूमंस विल बी लूजर्स। ठीक है, तब फिर है ना, तो इन सारी चीजों से ऐसे ऐसे हम इसका फ्लो चार्ट कर सकते हैं ना, इसको आप लिख कर ले सकते हो फ्लो चार्ट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे और ये पांचवा है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिख कर ले सकते हो है ना, ये यहाँ पर एक अलग से लाइन कर देता हूं ताकि ये आपको इसका फ्लो चार्ट है कविता का। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान को पहली बार बनाया तो भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने सब कुछ उसको दे देने की ठान ली और बहुत कुछ उन्होंने दे भी दिया। आखिरी जो चीज बची थी वो कहते हैं कि अगर वो भी मैं उसको दे दूंगा तो फिर मेरी दिए हुए चीजों से वो प्रेम करने लगेगा और मुझे भूल जाएगा है ना, थिंग्स अडोर थिंग्स एंड नॉट गॉड। तो अगर ऐसा होता है, अगर इंसान मेरे बजाय मेरी दी हुई चीजों से प्रेम करने लग जाएगा तो फिर इसमें किसी का भी फायदा नहीं है, दोनों का भी नुकसान है, इंसान का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। इंसानों का नुकसान कैसे है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें उन्हें कैसे मिली है और वो असली चीज से प्रेम करने की बजाय नकली चीजों से प्रेम करने लग जाएगा, ये उसका नुकसान होगा, ये उसका नुकसान होगा इंसान का। और मेरा नुकसान क्या होगा कि मैंने जिसको बनाया है वही अगर मुझे भूल जाएगा तो फिर मेरे बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ऐसा। तो दोनों भी हम नुकसान झेलेंगे, दोनों भी हम नुकसान में रहेंगे। येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो फिर ईश्वर ने क्या किया, इस पर एक उपाय ईश्वर को सूझा और ईश्वर ने कहा ठीक है, जो कुछ भी मैंने दे दिया है उसको तो मैं नहीं निकालूंगा, उसको तो मैं वापस नहीं लूंगा। ठीक है, जो कुछ भी मैंने दिया है उसको मैं वापस नहीं लूंगा, पर उसको एक चीज मैं दूंगा जो है रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस एंग्जाइटी। क्या होता है, निरंतर है ना, कंटिन्यूअस को हम कहेंगे निरंतर अस्वस्थता। ठीक है, तो ईश्वर क्या कहते हैं,
कि ठीक है मैंने सब कुछ दे दिया है ना, अभी तक जितना भी मैंने दिया है उसको तो मैं वापस नहीं लूंगा, पर ये सारी चीजों को जब वो उपभोग लेगा, इन सारी चीजों का वो उपभोग लेगा, इन सारी चीजों को जब वो उपयोग करेगा, तो उस उपयोग करते समय जीवन में हर समय वो अस्वस्थ रहेगा। तो ये अस्वस्थता मैंने उसको, स्वस्थता मैंने उसको प्रदान नहीं की। आखिरी जो चीज थी वो स्वस्थता थी, ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, संतोष है ना, समाधान जिसको कहते हैं, वो अस्वस्थता उसको वैसे ही रहनी थी, उसको स्वस्थ स्वास्थ्य या जिसको हम कहते हैं, अब स्वास्थ्य का मतलब तो निरोगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मन का स्वास्थ्य उसको नहीं दिया है, अस्वस्थता वैसे ही रखी गई। तो आखिरी जो चीज थी वो थी स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य, मन शांति, ये मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें देने के बाद अब मैं उसको निकालूंगा तो नहीं कुछ भी, लेकिन ये चीज मन स्वास्थ्य मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी कभी वो चीजों का उपभोग करेगा तो उसको आनंद तो आएगा, लेकिन आनंद के बावजूद वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ रहेगा, और वो जो अस्वस्थता होगी वो निरंतर होती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, वो कभी भी उसके जीवन में समाप्त नहीं होगी, है ना। रिपाइनिंग, लेट हिम बी रिच एंड वेरी दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड्स हिम नॉट येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये अस्वस्थता क्या है, ये अस्वस्थता वही चीज है जो उसे मुझ तक खींचकर लाने वाली है, या उसे मुझ तक खींचने वाली है। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, तो क्या हुआ है ना, लेट हिम बी रिच एंड वेरी मतलब लेट हिम बी रिच एंड वेरी है ना, मतलब उसको समृद्ध रहने दो, उसको समृद्ध रहने दो, पर हमेशा वो थका हुआ रहना चाहिए। थका हुआ मतलब एग्जॉस्टेड। अब ये वेरी क्या होता है कि बहुत थका हुआ, मतलब हमेशा उसको ऐसा लगना चाहिए कि अरे कुछ कम है, थक चुका हूं, बहुत कम है, ऐसा। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, क्यों? तो ईश्वर ने क्या कहा कि ठीक है उसको समृद्धि दे देता हूं पर उसको थका देता हूं, क्योंकि अगर समृद्धि मुझ तक उसको खींच नहीं लाई, क्योंकि अगर इफ रिचेस डजंट देन वियरीनेस विल ब्रिंग हिम टू मी। ठीक है, क्या कह रहे हैं ईश्वर, ईश्वर कह रहे हैं कि अगर ये जो समृद्धि है उसकी समृद्धि अगर उसको मेरे तक खींच कर नहीं लाई, तो कम से कम उसकी थकान है ना, उसकी अस्वस्थता है ना, थकान को भी फिर हम अस्वस्थता का ही नाम दे देंगे, अस्वस्थता है ना, अगर उसकी समृद्धि उसको मेरी तरफ खींच कर नहीं लाई, नहीं ला सकी, तो कम से कम उसकी अस्वस्थता तो उसको मेरे तक खींच कर लाएगी। ठीक है, तो ईश्वर क्या कहते, तो क्या है कविता, देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने अभी तो फ्लो चार्ट में डाल दी है तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When God first made man, है ना, अब इसमें नहीं क्या मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूं, है ना, When God first made human, man को कहते हैं, अभी man मतलब सिर्फ आदमी या औरत इस तरह से उसको नहीं लेना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। देखिए अब देखते हैं, तो जब ईश्वर ने पहली बार इंसान का निर्माण किया, इंसान को बनाया, तो उन्होंने
उसको उनका जो प्याला था भरा हुआ, वरदानों का जो प्याला था, वो उन्होंने सब कुछ इसको दे दिया। अब जब उसमें आखिरी जो वरदान बचा था, है ना, आखिरी वरदान बचा था, तब वो रुक गए। और रुकने के बाद उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो उनको सब कुछ दे रहा हूं, अगर मैं उसको सब कुछ दे देता हूं तो क्या होगा, तो इंसान मुझे भूल जाएगा और मैंने जो कुछ वरदान उसको दिए हैं उस वरदानों को ही याद रखेगा, मुझे वो भूल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसमें दोनों की हार है, मेरी भी हार है और इंसानों की भी हार है ना। तो इसीलिए मैंने जो कुछ उसको दे दिया है उसको तो मैं वापस नहीं लूंगा, पर ये सारी चीजों के साथ साथ मैं उसको संतोष, मैं उसको स्वस्थता कभी भी प्रदान नहीं करूंगा। जो आखिरी उसमें बचा था वो स्वस्थता थी, संतोष था, वो मैं उसको कभी प्रदान नहीं करूंगा। क्योंकि ठीक है, उसे समृद्ध होने दो, उसको समृद्धि का उपयोग करने दो, उपभोग करने दो, पर हमेशा वो अस्वस्थ रहना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर समृद्धि, उसकी समृद्धि उसको मेरे तक खींच कर नहीं लाई तो मुझे पूरा यकीन है कि उसकी अस्वस्थता उसको मेरे तरफ खींच कर लाएगी ही लाएगी। बात समझ में आ गई? तो हाँ ठीक है, चलते हैं। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और ये समझ आया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।